अबे 15 टीम्स कैसा है? Where is angry swans? Punk knock by Godlike is in trouble. Godlike is in trouble. अगर shadow knock हुआ तो अलग बात है, but वो एक कहाँ समझ रहे हो गया Godlike बाहर, ninja मर गया. Nice knock way, Rony. What? They made it look so easy way. Team Godlike versus Team Godlike LOLs. Jonathan ने LOLs को knock किया. Finally it's happening, Godlike versus Aiku Soul. Ninja rev ho gaya. Manya knock from Jonathan's nade. Knuckle knock, bro. It's Godlike's match. There is no stopping them now. There is no stopping them now. I told you, and with that, it's a winner-winner chicken dinner for Godlike Esports. Hello everyone, this is Mr. Spikes. आज का वीडियो काफी खतरनाक होने वाला, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं BMPS Round 2, Group 1 and 2 का आखिरी दिन. Day 1 पे Godlike CG मचाए थे, and also underdog teams like HRZ played really well. But one of the strongest teams of India, Aiku Soul, अच्छा नहीं खेल पाया. They were only able to get 10 points, which is not enough. And also RNT was able to get only 6 points. Like wow, cutoff चल रहा है somewhere around 23. And इन सारे teams के लिए आज के सिर्फ 3 matches बचे. उसके बाद जो भी बॉटम 16 पे रहेंगे वो हो जाएंगे BMPS 2024 से बाहर. एंड हाउ कैन वी फॉरगेट द फैन फेवरेट टीम एंग्री स्वांस. ये टीम तो अलग लीग में भाई, सिर्फ यही टीम बचा सकता है इंडिया को इन इंडिया वर्सेस मंगोलिया. नोवा स्पोर्ट्स काफी टाइम से देख रहा था इंडिया में एक तगड़ा टीम के लिए. मैं सोच रहा हूं इस टीम को साइन करके ना PL में सेंड कर दूं. अपना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे एक लाइक वाला बटन होगा, उसको फटाफट कर देना ऐसे वीडियो हर रोज देखने के लिए. एंड आल्सो सब्सक्राइब कर दो यार, वी आर वेरी क्लोज टू 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स. इट वुड मीन अ लॉट. Make it happen. Let's go. And with that being said, now let's get started. भाई अगर बैन वैन खाना है तो आज ही खा जाओ भाई, प्लीज. चलो स्टार्ट हो रहा है. एक बड़ी टीम ड्रैगन्स के लिए, समझ रहे हो, थोड़ा दया आ रहा है मुझे. गलत एरिया पे आ चुके हैं ये लोग लूटने. ओए मानिया नॉक फिनिश. और आप सोचिए भाई मुदित यहां पर अभी के लिए बिजी फ्रॉम टीम लॉल्स तक नहीं दिया गया. कल तो चलिए उम्मीद बनी, दैट्स बैड. किस्मत रही थी कि माना दैट्स बैड फॉर Aiku Soul. लेकिन उसके बावजूद लॉल्स टेक्निकली पुश कर सकता है, पता. दे आर ऑलरेडी क्वालिफाइड. दिखा दिया यहां पर, दे आर ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड. और चलती गाड़ी से अच्छा खासा पॉइंट्स है उनके पास. अग्रेसिव खेल सकते हैं. ओ इन द मीन टाइम कोइंसिडेंटली एंग्री स्वांस जो 3 मैन खेल रहे हैं आज, वो फाइट ले चुके हैं अगेंस्ट द ड्रैगन्स. भाई द ड्रैगन्स, you think you have the manpower, but trust me guys, you don't know what you are fighting against. Le Divai bhai, jab tak Divai bhai hai tab tak, samajh lo, solo versus squad bhi maar dega wo. मौका मिल चुका है ये ड्रैगन्स, अच्छा स्क्वाड है. अरे भाई साहब ले भाई ले. दिवाई भाई का अवेयरनेस देख रहे हो, प्रदान किया जा रहा है. ड्रैगन्स बहुत ज्यादा मुश्किलात में वो फंस चुके हैं. दो खिलाड़ी मात्र बचे रहेंगे. वर्ल्ड बोट आगे जाने की कोशिश, डीवीएस उनके पास भी है सामने से. एस्ट्रोल के वाओ, वर्ल्ड मोट ने भी चिपका दिया. फ्रॉस्ट को डाउन करा और अब वो आखिरी भाई अपनी टीम से बचे रहेंगे. ड्रैगन्स दिवाई भाई ए 1v3 का डाला इसने. ड्रैगन्स ऐसा नहीं, 3 मैन थे, बहुत ऊपर गई हो. नॉक तक नहीं गए ये लोग. वो तीन फिनिशर्स, वोल्डेमॉर्ट था, जानवर था भाई. ये कह सकते हैं कि इसको मारे लोग बढ़िए, ही रिफ्यूज्ड टू गेट नॉक्ड. सबसे ऊपर 43 फिनिशर्स के साथ एक एचपी बचा था वो. 3 मैन मार दिए भाई 42 के साथ. वो आपको दिखा, टीम ड्रैगन को काफी पॉइंट्स की जरूरत थी. कल का इरांगल उनके लिए बहुत खराब था. आज अगर एक चिकन और एक हैशटैग तो आगे तो क्वालिफाई हो जाते हैं, बट गलत टीम से पंगा ले लिए. बहुत ज्यादा ओए नाइस नॉक लॉल्स ऑन माफिया. एग्जैक्टली लगभग ऐसे ही सर्कल था और ओपन में वो सर्कल समाप्त हुआ था. Aiku Soul के लेगा पे डब्बा टोटल अंक नीड 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 यस कोशिश करी कि जो नॉक खिलाड़ी है उसको पहले समाप्त करा जाए. और माफिया सांचित ने फिनिश कर दिया माफिया को, द्वारा वो खिलाड़ी समाप्त करा गया. यानी टीम लॉल्स अभी भी उनके लिए एक अच्छी शुरुआत. लेकिन शुरुआत भाई न्यूमैन किसी और से भी लड़ रहे हैं. INS जरिए शुरुआती झटका लग चुका है. एंड रुइंस में कल भी जैसा आपने बोला है बहुत टीम से चरण ली थी. कुणाल नॉक फ्रॉम एश जाकर, और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि न्यूमैन फॉरएवर की नजर अब माफिया जा चुका है. कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने टीम एटलीस्ट 3 खिलाड़ी के साथ आगे सरवाइव करना पड़ेगा. लेकिन चलिए ग्रेनेड वॉर की शुरुआत कल भी हुई थी. सही कर रहा है कुणाल, सही कर रहा है. थोड़ा पीछे जाकर रेव हो रहा है ताकि नीड्स अच्छी बात ये है कि से फिनिश ना हो जाए वो. पर है, लेकिन पास में आगे तो फिर क्या. मीनवाइल INS वर्सेस इनसेन के लिए ये मैच बहुत शैडो नॉक. ये फाइट उनके लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है. वे वहां पर बचे थे पर उन्हें भी डाउन. अडायर नॉक के द्वारा अडायर नहीं, अडाई कुछ तो नाम है भाई, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा उसका नाम. INS बाहर भाई, कहां से लगी इसको गोली. PMWIIGL भाई इधर क्या कर रहे हो आप. इन्फर्नो स्क्वाड PMWIIGL उन्होंने अपनी इंडिया पे क्यों घुस गया.
कल उनका इनसेन बहुत प्यारा जगह मिल गया इनको। शून्य अंकों के साथ फोर मैन स्ट्रॉन्ग तीन फिनिशेस। गॉडलाइक वर्सेस बीआर, स्कार जॉर्ड को पंक ने नॉक किया, पुश कर रहा है गॉडलाइक, डब्बा डाल दिया। अगर यहाँ पर ये टीम एलिमिनेट होती है तो दिक्कतें उनको ज्यादा होने वाली, पर एक और स्लाइड जब से उसको देखा गया एडमिनो। अरे भाई साहब कैसे चोक हुआ ये, एक गोली गाय वो, पर उस खिलाड़ी को वो नॉक नहीं कर पाए, गाड़ी से वो खिलाड़ी उतर तो गया, पर आप ये सोचिए कि वो खिलाड़ी ऊपर फंस चुका है। आई थिंक पुश कर रहा है एडमिनो। यस सिंप ऑल्सो जा रहा है तो नहीं जाने देंगे, लेकिन जब खिलाड़ी सक्सी तो ड्राइव बाय कर लीजिए, सामने दो दो गाड़ियों से डॉ जरूर कर लिया था। नाइस ड्राइव है सक्सी, जॉनी ने दिया उसको नॉक, सपोर्ट फायर में डब्बा डाल दिया एडमिनो। देखिए उनको लगा कि सामने बीआरबी लाइक हम निकलेंगे भाई इधर से, गलत जगह पे आ गए हम, सोचते नहीं है अब कर गुजर जाते हैं और सामने आने में ज्यादा संकोच। आई लाइक द कॉन्फिडेंस सर्कल फ्रॉम गॉडलाइक यार, बहुत कॉन्फिडेंटली खेल रहे वो। जोन देखा जाए तो आइकू सोल सेंटर में भाई, सेंटर आइकू सोल के पास सुनहरा अवसर है सर, ये अच्छा गेम बन सकता है गॉडलाइक बोल रहा मैं, आइकू सोल का वो एक आई थिंक बनेगा, मोस्टली बनेगा, मात्र एक कंपाउंड है। अगर मैं दे नीड इट छोड़ दूं, पहला मैच अच्छा जाना चाहिए उनका ताकि मोमेंटम बन सके। मीनवाइल ग्लिचेट्स वर्सेस एस, विशु ने वर्ल्ड मोड को नॉक कर दिया, आगे जाने की कोशिश कर तो रहे थे दिवाई भाई, तो भाई 1v1 चोक हो ही नहीं सकता इसके साथ। पर विकेट वो आगे बढ़े और ग्लिचेक्स रीबॉर्न भाई, दिवाई वर्सेस मानिया 1v1 हो जाए कौन जीतेगा बताओ कमेंट सेक्शन में। ग्लिचेक्स रीबॉर्न, आई वुड पुट माय मनी ऑन दिवाई ब्रो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर अबाउट द स्टैट्स, आई डोंट केयर अबाउट द प्लेयर, मैं तो पैसे लगाऊंगा दिवाई के ऊपर, डोंट आस्क मी व्हाई, यू नो व्हाई, जीतेगा तो दिवाई बता रहा हूं। इम्प्रिंट को तो बहुत सारे अंकों की जरूरत पड़ने वाली है टीम लॉल्स वर्सेस न्यूमैन एक बार, अरे एंग्री रिस्पॉन्स बाहर है #13, दैट्स सो सैड, उनका एलिमिनेशन वाला लॉस खुद भी डाउन करे गए, उनका तगड़ा रोटेशंस देखने के लिए तो मैं देख रहा हूं ये मैचेस करने वाला टीम कैप्टन उनको देख सकते हैं, बट आज नहीं हो पाएगा, आई मीन इस मैच में नहीं हो पाएगा, अगला मैच में देखते हैं। एकमात्र ऐसी टीम जिनके पास कंपाउंड भी है और जोन का बढ़िया इलाका भी, बट दिक्कत ये हो रही है कि उनके फिलहाल आइकू सोल बहुत सॉलिड पोजी में है। विशु नॉक फ्रॉम कैप्टन अर्चित, ग्रेनेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है, अब अगर खिलाड़ियों के पास ग्रेनेड खत्म हो चुके हैं, यूटिल्स खत्म, सैंडविच हो गया भाई, ग्लिच मुश्किल है सर्वाइव करना, ग्लिच आवश्यकता थी इस चीज करने की, कैप्टन आईएनडी कैप्टन भी अब इस चीज का स्वाद चखने के लिए, दोनों मिलकर मार देंगे इनको। लेब्रॉन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग लुक्स लाइक, रिवील आउट करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे यहाँ से, ये क्या हो रहा है साइंटी, यहाँ से बहुत अच्छा मौका है कि वो फिनिशर्स निकाल पाए, तीन निकाल दिया है, एक और खिलाड़ी ग्लिच एक्स रिबॉन का आखिरी लेब्रॉन, कल के दिन पे बहुत शानदार उन्होंने क्लच करके दिखाया, पर अरीब वो आगे बढ़े और उन्होंने एम्परर और अर्चित दोनों खिलाड़ियों को डाउन करा, और हमेशा हम कहते हैं कि अरीब बहुत नाइस ट्राई बाय लेब्रॉन, एंड विद दैट ग्लिच एक्स रिबॉन बाहर एट #12 RTGIND 6 फिनिशेस 3 मैन स्ट्रॉन्ग, तीन फिनिशेस के साथ, तीन अंकों के साथ, इनफैक्ट वहां पर ग्लिच एक्स रिबॉन उनका एलिमिनेशन, लॉल्स ने एश होना, भाई न्यूमैन वर्सेस लॉल्स कितना टाइम से हो रहा है, अभी तक संचित नॉक नहीं हुई कह सकते हैं पिछले 10 मिनट से, वो चीज तू मैंने कैप्टन बार-बार नॉकआउट हो रहे रिवाइवल हो रहे नॉकआउट हो रहे रिवाइवल हो रहे, लेकिन अभी के लिए टीम कैप्टन एक बढ़िया मौका था थर्ड पार्टी करने का। जिट्रे भाई क्या हो गया, इससे पहले राउंड में इतने फ्रैगिंग कर रहे थे, अब यहाँ से एक आज तो मारना ही पड़ेगा ब्रो फॉर द क्वालिफिकेशन, से इन्फर्नो स्क्वाड कोशिश कर रहे परेशान करने का, लेकिन ये सामने खिलाड़ी था आपके, ड्राइविंग स्किल थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी आपको कैप्टन, उनके पास इससे पहले मात्र 7 पॉइंट्स थे, उन्हें उन फिनिशेस की जरूरत है, और अगर आप ऐसे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, कुचल लिया इनको डेविल ने, जेट्रे नॉक, डेविल इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर कैप्टन, मार दिया उसको भी, एंड विद दैट कैप्टन ईस्पोर्ट्स बाहर, एंड मीनवाइल आरटीजीआईएनडी हैज 8 फिनिशेस 3 मैन स्ट्रॉन्ग, पहले वाले जो नॉक्स निकाले गए थे, रॉनी ने मैक्सस को नॉक किया, पंक ने मैडवेब को नॉक किया भाई, इम्प्रिंट का एक ही बंदा बचाया है, निंजा अरीब के पास ओपी, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, लॉल्स एंड निंजो को नॉक किया भाई, कितने घंटों से चल रहा है ये फाइट, टीजीएल वर्सेस न्यूमैन अभी तक नहीं समाप्त हुई, गया न्यूमैन बाहर, निंजो वो डाउन मार दिए टीम लॉल्स ने, फाइनली लॉल्स के द्वारा न्यूमैन को एलिमिनेट किया गया, चलिए जो भी देयर आर एट #10 टीम्स अभी के लिए अच्छी स्थिति में मुझे तो नजर आ रही है, फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इम्प्रिंट कितने मौके मिले हैं यहाँ पर रीसेट करने, मीनवाइल गॉडलाइक 5 फिनिशेस 4 मैन स्ट्रॉन्ग, जो उनको थर्ड पार्टी करके सत्ता जरूरी है, सही खेल रहा है गॉडलाइक, नाम लिया है तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भी आपको आसपास देखने को मिल जाएगी, निर्भय करके खेल रहे, बिल्कुल निडरता के साथ खेलती है टीम, कोशिश तो जरूर है WSP के साथ भी, मुझे लग रहा है वो चैलेंज शायद देखने को मिल जाए, लेकिन एडमिनो नॉक एडमिनो फिनिश, और आरे को आप देखें उनके पास तो पहले भी सिंप ने मैड्रिक को फिनिश कर दिया, देखने को मिले थे मैड्रिक उनका एलिमिनेशन में, लॉबस्टर वो भी डाउन करे गए, आरे वो फाइट करने के लिए व्हाट, अरे नॉक बंदा को लेके जा रहा है भाई पाशा, तो उनके साथ ही गॉडलाइक नीड्स करेगा, देखो इधर इम्प्रिंट के बंदे नॉक
ये कुछ अलग ओए मैक्सिस ने मार दी क्या उनको अरे बाहर इंप्रिंट का मैक्सिस ओजी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग बोला मैंने नेट्स आएंगे विद दैट गॉडले के हो गए हैं 8 फिनिशेस 3 मैन स्ट्रॉन्ग जो इस मैच से वो निकाल पाए पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 8 टोटल फिनिशेस निकाले हैं और अब बारी आती है फ्रॉम मुदित की यहां से वो फिनिशेस निकाले और साथ ही साथ वो चिकन डिनर भी इतना मैं कहना चाहूंगा यहां से मेजी की एक भी टीम अभी सर्कल के अंदर नजर नहीं एजेस पे खेल रहे हैं हर कोई और हीरो एक्सट्रीम गॉडला की बात की जाए पंक नॉक भाई लेकिन उनको रीसेट करने गॉडला की इन ट्रबल गॉडला की इन ट्रबल अगर शैडो नॉक हुआ तो अलग बात है बट शैडो का पोज ही है ना गॉडला को बिल्कुल नहीं पता ये पीछे से नेड्स वेट करेगा तो समझ रहे हो वही कहां समझ रहे हो गया गॉडला के बाहर तो अभी के लिए आदान प्रदान किया जरूर जाएगा लॉल्स टीम लॉल्स का मुदित और डब्ल्यूएसबी का कोई बंदा मार रहा था दोनों मिलके तो गॉडलाइक बाहर हो गया भाई सोल को इधर से हटने की जरूरत ही नहीं पड़ी सोल इधर ही बनते गया बनते गया बनते गया अभी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा इनको एक किल मिला सो फार इनको बट आई थिंक ये मैच निकाल लेंगे वो चारों खिलाड़ी उनके निकाल लेंगे खिलाड़ी मौजूद थे तीनों एक ही जगह पे थे तो भाई मार दिया इसी 4 किलो गया अब टू मैन स्ट्रॉन्ग निंजा मर गया नाइस नॉक वे रोनी गॉट ट्रेडेड नकुल को रेफ देना पड़ेगा देर तक सर्कल आपका साथ देते नजर आए कुछ सोल इसको कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अभी एक मिनट टाइम है ना इसे एक मिनट टाइम है जितना डैमेज इसे उतना डैमेज देना पड़ेगा आइकू सोल को टू गेट द विनर विनर चिकन डिनर अभी इन्फर्नो वर्सेस डब्ल्यूएसबी होने वाला है कोई थर्ड पार्टी आ जाए उनको भी इस फाइट का पूरा फायदा उठाए निकालने की क्षमता ताकि चिकन निकाल सके नकुल दे रहा है भाई नकुल दे रहा है अरमान नॉक उनको पता है कि हर मैच में एक एक अंक बहुत और भी एक बंदा नॉक है डब्ल्यूएसबी का आगे बढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो रैंडम स्पॉट उनको दिक्कत दे सकते हैं पर मुझे लगता है कि लगभग उन्होंने अपना काम सिर्फ एंड ओमेगा आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर डब्ल्यूएसबी गॉड्स को फिनिश डाल दिया अरे भाई साहब जतिन उन्होंने तो बैक टू बैक नॉक्स निकाल माफी नहीं मिलती ब्रो ऐसा स्प्रे करेगा तो जिनके पास लग रहा था कि वो चिकन डिनर जा सकते पर नाइस वन में जितिन इसने 1v4 किया क्या आई मीन दो नॉक वाला बंदों को पेटे डाला इसने बट स्टिल 1v4 था आई थिंक और अकेले ही WS 2v4 सिचुएशन पर ओवन वो भी तैयार फॉर आइकू सोल प्ले जोन के बाहर वो हीट बैटल करते हुए दिखाई प्रॉपर 2v4 टोटल 13 पॉइंट्स आरटीजी एंड 13 पॉइंट्स अरे भाई साहब 13 गेम्स निकाले उन्होंने इस मैच में जा रहे हैं पर पीएमडब्ल्यू नकुल नॉक रोनी इज लास्ट मैन स्टैंडिंग नकुल को उन्होंने डाउन किया रोनी बचे रहेंगे एक आखिरी क्लाइंट जोन के बाहर गए डैमेज पड़ा गाड़ियों के ऊपर से चढ़ती हुई निकल गए पीएमडब्ल्यू आया एंड दैट इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विनर विनर चिकन डिनर फॉर इन्फर्नो स्क्वाड भाई साहब मैं सोचा भी नहीं था भाई इन्फर्नो इतना अच्छा खेलेगा इस मैच में बट करके दिखाए वो आई लव सरप्राइजेस एंड सरप्राइज मी गुड जॉब गाइस बहुत प्यारा खेल है विद जस्ट दिस मैच 20 पॉइंट्स मिल गया इन्फर्नो स्क्वाड को मेरे हिसाब से ये क्वालिफाइड है नेक्स्ट राउंड के लिए आइकू सोल आल्सो हैड अ डीसेंट स्टार्ट चलो अब बढ़ते अपना मैच 2 की तरफ भाई वो टीम कहां गई अबे 15 टीम्स कैसा है यूजुअली तो चले वेयर इज एंग्री स्वान्स खिलाड़ी यहां पर इसको इस्तेमाल करते नजर आते लेकिन क्या पता ये गोल्डन विराडो टीम आइकू सोल के लिए लकी हो जाए भाई एंग्री स्वान्स नहीं खेल रहा है टीम मौजूद है आई एम प्रीटी श्योर कि क्या हो गया कुछ हुआ क्या लाइव बैन तो नहीं हुआ बट कुछ तो हुआ लगता है वो टीम ज्वाइन नहीं किया पहला मैच 3 मैन खेले इस मैच में कोई ज्वाइन ही नहीं किया और वहां पर 4 फिनिशर्स भी हमें उनके पास देखने को मिले तो मेंटालिटी वो बिल्कुल क्लियर है What is going on? अगर ये मुकाबला उनका क्या बैन मिल गया उनको क्रैप्टन की तरफ से नॉक का मैप रहेगा वहाँ पे टीम आइकू सोल वो बिल्कुल प्रेशर रिलीज आउट होने के पता नहीं अभी के लिए तो कुछ आया नहीं है देखते हैं अभी के लिए जो माइंडसेट है टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का वो सिंपल है नॉक किया फिनिश किया इंस्टेंट स्लैमिंग करते हुए नजर आएंगे और हम मिनी मैप में देख भी सकते हैं टीम गॉडलाइक वर्सेस टीम गॉडलाइक लॉल्स उन्होंने सामने किया जरूर है अब देखते हैं वो इस 3v4 की चुनौती में कितने तैयार हैं देखिए बेशक आप क्लासिक में साथ मिलके जरूर खेलते हैं लेकिन जब बात आती है मीनवाइल आइकू सोल वर्सेस इनसेन स्पाई ओपी नॉक तब आप एक दूसरे के विरुद्ध स्पाई ओपी फिनिश हम बात कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से जोनाथन और सामने चल जॉनी चल और भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर दोनों क्वालिफाइड है बस प्रैक्टिस चल रहा है उनका जोनाथन ने लॉल्स को नॉक किया जॉनसन का वो ग्रेनेड
आप इन दोनों के बारे में कर देंगे, अब तो स्लैम ही कर देंगे भाई। मुदित और सांचित दोनों स्टार प्लेयर से इस टीम का, देखते क्या कर पाएंगे। ये एक बेहतर लग गए मुदित नॉक की चर्चा कर रहा था, वो कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट, वो सिनर्जी ऑन पॉइंट। मुदित नॉक सांचित को भी पेल दिए एंड विद दैट टीम लॉल्स इज आउट टोटल एट #14 बट अब बाई गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स जाने की वाओ लगेगा नहीं उनको, उनको भी पता क्या पुश किया है बे गॉड लाइक ने। अब मुझे लग क्या ही मारे मुकाबले में लगभग दे मेड इट लुक एफर्टलेस। इसको बचाया है एडी ने टीम ड्रैगन्स के सपने। विचेक्स रिबॉर्न वर्सेस न्यूमैन वर्सेस बीआर जी हां, लेकिन एक फाइट ब्लड रिपर्स भाई, एक मिनट से दो बंदे गए। अभी भी जक्सी माफिया का नेट से जक्सी और स्कार जो दोनों गए। कोशिश जरूर थी माफिया के द्वारा ड्राइव बाय करने के, लेकिन ये क्या क्या कमवा का डॉज करके दिखाया इस खिलाड़ी ने। लेट बॉय ने कुनॉक फिनिश कर दिया। आइकुसोल भी आ गया इस पार्टी में ज्वाइन करने, स्वागत तय करोगे हमारा। माफिया इज लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर न्यूमैन। वो पीछे क्यों हटे, वो भी चाहते हैं थर्ड पार्टी में शामिल होना। चलिए चार फिनिशर्स जो टीम आइकुसोल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पांच फिनिशर्स फॉर आइकुसोल। आइकुसोल क्वालिफाइड राइट विद दिस, आई थिंक दे आर क्वालिफाइड। पाना लगभग असंभव ही नजर हो गया उनका। ग्रेनेड्स की बौछार की 25 पॉइंट्स हो गए इधर ही। बैटमैन वो पूरी तरीके से तैयार, तीन फिनिशर्स। अब तो ऑल आउट जाएंगे आइकुसोल। इतना ये कि माफिया को दे विल गो ऑल आउट स्पॉट कर सकते हैं। हालांकि कैसे पड़ रहा है आईएनएस जो जोन के बाहर से शॉट, निंजू ने नॉक कर दिया। निंजू बोल रहा निंजा तक वो भी सरवाइव भाई, इतने सारे निंजा। थैंक यू बोला होगा टीम आइकुसोल ने उस एक फिनिश के नाम है अलग-अलग तरीके से, निंजा जॉर्ड, निंजू, निंजा 2। ये 2 क्यों लगाया इसने, देखो निंजू फिनिश हुआ अभी न्यूमैन का। अगला जोन का शिफ्ट एक बार फिर से टीम आइकुसोल, वो आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। आइकुसोल भी पास में ही है, रिबॉन के लिए मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट था और ये दोनों ही टीम्स बेहतर खेल करके जाते हुए वो कमबैक जिसकी हम चर्चा देख लिया एडमिनों ने मिलने वाली है। पंक नॉक फ्रॉम निंजा, टीम आइकुसोल के निंजा उनको स्पॉट किया गया एडमिनों के द्वारा। डब्ल्यूएसी बाहर #7 पंक की बात करें वो डाउन है। ये अगला जोन का शिफ्ट करीब वो इनसे ने अभी तक 20 या 30 ग्रेनेड डॉज कर दी। लेब्रॉन नॉक फ्रॉम जोनाथन, कोशिश कर जरूर है लेब्रॉन फिनिश। आई थिंक विशु इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर ग्लिचेक्स। इस्तेमाल किया जा रहा है अभी के लिए टीम की तरफ से, उनको कह सकते हो नाइस वन नकल एंड विद दैट इंप्रिंट स्पोर्ट्स बाहर एट #6 आइकुसोल 9 फिनिशेस 4 मैन स्ट्रांग भाई। डिनर है ये, आइकुसोल का डिनर है बता रहा हूं मैं। डिनर इनकमिंग फॉर आइकुसोल। मतलब गॉड लाइक भी है, पता नहीं मेरे को लग रहा है गॉड, और लग तो रहा है कि ग्रेड के चलते भाई गॉड लाइक का भी 10 फिनिशेस। या जॉनथन को मिशन ने जॉनथन को नॉक किया द्वारा, देखना ये कि रिवाइव एंड एडमिनो ने ट्रेड लिया एंड विद दैट ग्लिचेक्स रिबॉर्न बाहर एंड #5 वो फिनिश ऑफ किया। इन जोन 11 फिनिशर्स इन जोन 4v4 फाइट देखना चाहता हूं मैं। गॉड लाइक वर्सेस आइकुसोल, दैट वुड बी सो ब्यूटीफुल टू वॉच। टीम ड्रैगन अभी तक सरवाइव कर रहे हो, और ड्रैगन जो है उनका ड्रैगन ने नॉक किया जॉनथन को, टेक डाउन जॉनथन को। रिवाइवल्स अब वो देने पर 11 फिनिशेस फॉर गॉडलाइक, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या अरे भाई साहब वो कवर अप कर पाएंगे। पंक उनके बहुत करीब वो मॉलोटोव एंड ही इज क्वाइट लिटरली ऑन फायर। दिस इज नॉट गुड कि शायद यहां से डॉज करते रह जाए। अगर ये टॉप का थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट लगा हार्ड, लेकिन फिर भी वो हार्ड कमिट करके अगर पूरा 4v4 फाइट ले लिया गॉडलाइक तो सोल के लिए पूरा फायदा है। आई एम प्रीटी श्योर पंक अंडरस्टैंड्स दिस, इसलिए वो कमिट नहीं कर रहा है वो फाइट में। हाइट उनके पास है, ही इज लाइक डिलेइंग द फाइट, ही इज नॉट कमिटिंग इट। और जब ये सारे फैक्टर्स आपके पास हो तो चिकन डिनर निकालने के प्रबल दावेदार आप माने जा सकते हैं, बट पंक क्या वो निकाल पाएंगे क्योंकि उनको इंस्टेंट कौन निकालने वाला है ये मैच, आइकुसोल और गॉडलाइक वर्सेस ड्रैगन्स। बट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ज्यादा है गॉडलाइक एंड आइकुसोल को, तो वो लोग फायदा उठाएंगे। निंजा नॉक इन द मीन टाइम, थोड़ा रश किया इनसेन स्पोर्ट्स बाहर बढ़ाते हुए नजर आए। रोनी नॉक फ्रॉम सिम, वो देखने को मिलेगा सिम, उन्होंने रोनी को डाउन सिम जोन के बाहर है वे शॉट लेते हुए नजर आ रहे हैं। निंजा नॉक रोनी नॉक स्पॉट किया जरूर है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो गॉडलाइक नेड्स कर रहा है अभी होने के लिए पूरी तरीके से तैयार, वो एक ग्रेनेड। फाइनली इट्स हैपनिंग गॉडलाइक वर्सेस आइकुसोल, लेकिन वो नॉक अभी तक आया नहीं है। निंजा रेव हो गया, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मानिया नॉक के ऊपर वो ग्रेनेड आता वो नजर आएगा फ्रॉम जोनाथन स्नेड। उनको नकुल नॉक, टीम ड्रैगन्स भी आ गए थर्ड पार्टी। ओए निंजा ने नॉक किया ब्रो, इट्स गॉडलाइक मैच, देयर इज नो स्टॉपिंग देम नाउ, देयर इज नो स्टॉपिंग देम नाउ, आई टोल्ड यू। एंड विद दैट इट्स अ विनर विनर चिकन फॉर गॉडलाइक स्पोर्ट्स। बता रहा हूं भाई जो थर्ड पार्टी
करेगा उन्हीं का फायदा रहेगा। इधर सोल ने चांस लिया, दे वेंट एंड टुक द फाइट अगेंस्ट इनसेन। उस फाइट में एक बंदा नॉक हुआ एंड उधर ही फंस गए। लेफ्ट से ड्रैगन्स आया, राइट से गॉडलाइक आया एंड उधर ही खत्म हो गया। एंड विद दैट गॉडलाइक स्पोर्ट्स ऑन टॉप, विनर विनर चिकन डिनर। इट्स नॉट लाइक दे नीड इट, बट लीडर बोर्ड टॉप कर रहा है गॉडलाइक अभी। एंड आई एम हैप्पी टू से सोल ऑल्सो गॉट क्वालिफाइड विद दिस वन। अब आखिरी मैच में ऑल आउट जाएंगे सारे टीम्स, तो मजा आने वाला है। सबसे पहले देखते हो मैच, उसके बाद ओवरऑल स्टैंडिंग्स देखते हैं। लेट्स गो। ये मैच में भी एंग्री स्पॉन ज्वाइन नहीं किया भाई। K47 के बारे में भाई, मैं तो BMPS सिर्फ देख रहा हूँ इसी टीम को देखने के लिए, इनका रोटेशंस देखने के लिए, इनका एकदम समझ रहा आउट ऑफ द बॉक्स गेम प्ले देखने के लिए। बट क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे यार? आई नो दैट टू गुड फॉर दिस लॉबी, बट क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे? वी डिजर्व आंसर्स। बदलाव करके अब वो कोई बात नहीं, के साइड पर जा चुके हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये देखो भाई, गॉडलाइक भी आ गया इस फाइट के अंदर, दैट इज इंटरेस्टिंग। K47 नॉक फिनिश्ड बाय एडमिनो, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है और अब आईएनएस का यहां से बच के निकल पाना इम्पॉसिबल। घोस्टी नाउ फ्रॉम एडमिनो, ग्रेनेड घोस्टी वो डाउन। देखो आइकोसोल पूरा किल फीड रीड कर रहा है, उन्होंने कहा भाई मान्या ने और एक नॉक किया, थोड़ा योगदान देते हैं वो वहां पर नॉक करेंगे। और अब टीम आईएनएस, उनके बचते हैं मात्र एक खिलाड़ी जॉनथन, वो इस फाइट के लिए तैयार है। आइकोसोल ओए जॉनथन नॉक फ्रॉम नकल्स ने, जॉनथन डाउन करेंगे घोस्टी, जो नॉक पड़े हुए थे वो भी समाप्त। अब वो आखिरी खिलाड़ी, मान्या को दो किल मिला, वो अभी भी इस मैदान पर है। पंक नॉक फ्रॉम नकुल, ओए होए होए होए, निंजा ने नॉक किया एडमिनो को। सिंप इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, सिंप को ही मार दिए। गॉडलाइक बाहर बाय आइकू सोल, छह फिनिशेस नहीं सात फिनिशेस, दोनों टीम्स को मार दी भाई, दोनों टीम्स को मार दिया आइकू सोल ने। पर आईएनएस उनका भी सफर, कम बैक हो तो ऐसा भाई, कम बैक हो तो ऐसा, पलक झपकते ही व्हाट अ कमबैक टुडे। आज का दिन शुरुआत कैसा था? एक सपना दिन का शुरुआत, तब कैन आइको सोल क्वालिफाई, जो सफर है उनका। दे हैव डोमिनेटेड टुडे ब्रो, दे हैव डोमिनेटेड टुडे। इम्प्रिंट वर्सेस आइको सोल, आईएनएस का एलिमिनेशन देखा, उसके बाद हमने मैट ब्रेक नॉक देखा फ्रॉम नकुल, पर आइको सोल उन्होंने भाई नकुल नाम मान रहा है भाई आज कर रखी थी इम्प्रिंट, उनको भी थोड़ा संभालने की जरूरत है। ओए लो 24 के आसपास उनके पास वो अंक आपको दिखाई देंगे, यानी कि 30 का आंकड़ा छूने के लिए। विशु नॉक, विकेट नॉक बाय बीआर लिट बॉय, विशु फिनिश डाउन है, रिवाइव करने के लिए दूसरा खिलाड़ी आया तो सही, वो रिवाइवल कंप्लीट नहीं हुआ। गलत 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 स्लैम दिया, गलत मान्या और रोनी दोनों गए, जो ये मुकाबला हार भाई, गलत पेड़ पे ठोक दिया रोनी भाई ने, पलटवार किया और आइकू सो निंजा भी गया बाय आर्यन। नकुल इज लास्ट मैन स्टैंडिंग, आई थिंक इम्प्रिंट पुशेगा, पुश करेगा। ड्रैगन्स की बात करें वो शायद यहाँ पे, मैं घुसेगा की जगह क्या बोला पता, पुशेगा वो भी बढ़ाई जा सकती है। वाओ, वो एक लॉल्स गया उधर, दूसरी तरफ लॉल्स नॉक फिनिश हो गया। आईएनडी वर्सेस टीम लॉल्स की जो फाइट है वो आरटी जाए ने आया, मुदित एक को नॉक किया, दो को नॉक किया, चलिए मुदित उन्होंने एक बार कुनाल ने नॉक किया दूसरे को, वो अब सही कर रहा, सही कर रहा है, यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। एक अच्छा ग्रेनेड उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है और वो ग्रेनेड उनके बहुत नजदीक भी जाएगा। रैल्फी एक एचपी है, मतलब बहुत लो एचपी है, रैल्फी का बच पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए पर फर्क, अगर मुझे दिमाग लगा के अगर राइट से आ गया ना मजा आएगा, पता देखने हील बैटल करता हुआ आपको दिखाई ही देगा। आई थिंक नेट से चले आएगा ये रेडन है जो प्ले जोन, रैल्फी नीड्स टू हील, बैटल की शुरुआत उन्होंने कर दी है, उनको वो तीन लगाया लगाया फल लगाया दिमाग लगाया मुझे लग गई बाहर निकले। और रैल्फी अब आर्टी जाने का एक ही बंदा बचा है, निंजा जो डाउन पड़े हुए थे कुनाल एंड मुझे, 3-2 फिनिशेस अभी भी एक, बट इनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। द जोन इज अबाउट टू बिगिन, ड्रैगन्स माफ करिए इस मुकाबले में उन्हें जोन स्टार्ट हो गया, स्पाई ओपी नॉक, कुछ फिनिशेस उनके द्वारा भी आए पर आफो जोन के अंदर जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर पहले से ही चर्चाएं नो उन्हें तो खेलना आता, खिल के ऊपर से मार खाया फ्रॉम लिट बॉय, लिट बॉय इज लिट। जैसे आप बता रहे थे कि उनके पास 24 अंक थे और इस मैच में मात्र वो एक निकाल पाए, कोशिश कर रहा है लेफ्ट लेफ्ट से जोन के अंदर चले जाए, बट ब्लड रिपर्स 24 का सबसे बड़ा चिकन ये बैटिंग है, ओए नॉक पड़ा है, किल चोरी कर ले, सात फिनिशर्स थ्री मैन स्ट्रॉन्ग, वो तो डिपेंड करता है कि नॉट लाइक दे नीडेड, आल्सो टीम लॉल्स इज आल्सो क्वालिफाइड, सात फिनिशर्स वो निकाल चुके हैं, थोड़ा एग्रेसिव Easy खेल रहे आप कह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए फॉर द फर्दर राउंड्स। टीम ड्रैगन्स उनके पास इनको जोन के अंदर जाना बहुत मुश्किल होगा, उनके लिए भी इस मुकाबले में अंक निकालना काफी आवश्यक था और ऐसे में लेट बॉय देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो दो खिलाड़ी कितना और जोन के अंदर है, जोन के अंदर है। नाइट किंग उन्होंने निंजा को डाउन किया है और निंजा समाप्त भी हो गए, यानी अब इम्प्रिंट के वो एक आखिरी खिलाड़ी आर्यन ओजी वो बचते हैं अपनी टीम से। ओमेगा नॉक फ्रॉम जेतिन ओजी, कम से कम उन्हें निकालने चाहिए, और से मार खा रहे उन्होंने न्यूमैन, एक खिलाड़ी को नॉक किया है, माफ करिए इन्फर्नो स्क्वाड के जतिन थे माफिया ने ओवेन ओजी को नॉक किया, वो पलटवार में फंस गए।
सडनली द न्यूमैन्स फोकस अंकों की जरूरत पड़ने वाली है आगे पीछे से टीम लॉल्स आ गया स्कार शॉट ने पहले उस खिलाड़ी को देख लिया डैमेज देने के लिए वो ऊपर उठे और वो नाइस वन बे संचित नाइस वन आईडिया जहां पर शॉट्स कनेक्ट हुए नहीं उस स्कार जॉर्ड संचित के हाथों वो नॉक करे गए और अब टीम लॉल्स उनको एक्स्ट्रा जो फिनिशेस है वो मिलने वाले बीएमडब्ल्यू आईआईएचएल उन्होंने भी ओमेगा को डाउन करा यानी न्यूमैन अब मुझे दिया गया जोन के अंदर के साथ जी नहीं अब कर दीजिए मुदित एंड सांचे दोनों बढ़िया खेल रहे हैं और निंजू एचपी उनकी थ्रू द टूर्नामेंट बहुत बढ़िया खेले दोनों के दोनों प्रिंट उन्होंने ग्लिचेक रिबॉर्न का जो सफर है वो इस मुकाबले लेट बर्न ऑफ फिनिश निंजू नॉक निंजू इंस्टेंट डब्बा भाई सांचे काफी आसानी से फिनिश ऑफ किया और अगला जोन भी है इनके ऊपर क्या बात है आठ फिनिशेस फॉर टीम लॉल्स जोन का अगला शिफ्ट एक सडन शिफ्ट हमें देखने को मिल जाएगा जहां पर अभी भी टीम लॉल्स के पास एक बहुत बढ़िया मौका है कि वो नकुल ने इम्प्रिंट का आर्यन को नॉक किया अब वो उनके साथ मीनवाइल ड्रैगन्स आ गया ड्रैगन्स के लिए ये एक मस्ट विन फाइट रहने वाली है मुदित उनको पानी एक एचपी पे मुदित गया मौली से गया और अब मात्र दो खिलाड़ी जो टीम लॉल्स होना इम्पॉसिबल है मुदित वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं नकुल वो जो आखिरी खिलाड़ी सरवाइव कर रहे थे उनका सफाया इन्फर्नो स्क्वाड के द्वारा पुश कर दिया न्यूमैन पे वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एक 1v1 की लेफ्ट से बढ़ गया जितिन की तरफ से रहेंगे जिन्होंने किल दे दो भाई न्यूमैन को और लो जो टीम लॉल से बचते एकमात्र खिलाड़ी पर आप गोटन ने माफिया को नॉक किया ऐश को भी मारा नाइट किंग ने कुणाल को फिनिश किया भाई साहब कहां से कहां पहुंच गए टीम लॉल्स लगता है मैंने थोड़ी जल्दी सांचित इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग विद सर्वाइवल पे फोकस करना पड़ेगा सांचित को वहां पर गया पर उसके बावजूद आप देखिए फिनिश हो गया कैसे कल के तीन मैचेस में तीन पॉइंट्स निकाले आज का मिरामार उनके लिए बहुत बढ़िया रहा पहला जो एरंगल खेला था वो भी उतना कुछ खास उनके लिए नहीं गया पर मिरामार से वो वापसी हुई और वो अपनी टीम को बहुत दूर तक लेकर आ पाए देखिए तीसरी रेड ऑन हील बैटल कर रहा है आखिरी फर्स्टेड आ जाएगा टॉप 2 आ जाएगा लॉल सीसी बफर से वो पांच प्लेसमेंट पॉइंट और एक फिनिश के साथ टोटल 6 पॉइंट्स पर अभी भी मेरे को लगता है कि ले आ डी जाएंगे #3 नहीं निकालते तो फिर सांचित इट्स टाइम टू बैटल चिकन डिनर निकाला जाए हालांकि सांचित एंड विद दैट इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विनर विनर चिकन डिनर फॉर टीम ड्रैगन्स इनका शुरुआत बहुत खराब था ये लोग फाइट लिए थे एंग्री स्वॉन्स के अगेंस्ट पहला मैच में वो लोग खराब कर दिए इनका पूरा फ्लो बट स्टिल दे हैव कम बैक मिरामार मैच में #4 ऐसा कुछ आए थे एंड इस मैच में विनर विनर चिकन डिनर आई थिंक टीम ड्रैगन्स आर आल्सो क्वालिफाइड विद दिस Well played, yaar. Dragons, well played. Chalo, now it's time for the overall standings. Let's take a look. Bilkul top pe chal raha hai Godlike with 74 points. And #2 pe chal raha hai Aiku Soul with 49 points. Aaj kitne points nikale in log ne? 39 points nikale aaj. Like I said, they have dominated today. At #3, we have Newman. At #4, we have Lols. At #5, we have Dragons. Badhiya ke liye aaj Dragons. Angry Swans aaj do matches nahi khele. Now let's talk about teams jo risk mein hai. RA 24 points hai, cutoff 24 chal raha hai, to wo risk mein hai. BR, Titans and INS, in teenu ko mushkil hai bhai qualify hona BMPS 2024 mein. तो ये कट ऑफ अभी चल रहा है 24 एंड इनका पॉइंट है 17, 12 एंड 7. अभी ग्रुप 1 के मैचेस भी स्टार्ट होने वाला है तो चलो बढ़ते अपना मैच 1 की तरफ लेट्स गो मेरे को लगता है कट ऑफ है ना और ऊपर जाएगा लाइक 26, 27 क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टाइट चल रहा है चलो लेट्स गो नाउ वो आगे जाने की कोशिश कर भाई साहब एक डैमेज बहुत ज्यादा पड़ गया है एचआरजी इस मुकाबले की शुरुआत लग गई सेंसी के साथ करना चाहेंगे साहब उन्होंने ग्रेनेड देखा डेमी गॉड पर जब एक नॉक किया निकल पाते बहुत लेट हो गया बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा है अभी के लिए अगर हम अरे ऑलमोस्ट नॉक ब्रो करें जाना है एचआरजी वन ऑफ द परफॉर्मिंग टीम्स है समंजस में देखा जाए पूरी तरह से बैकफुट पे वर्सेस ई4ई निंजा को हील करना पड़ेगा लेकिन अभी भी देखा जाए तो ऐसा नाइस वन डेमी बैकफुट पे बट अभी के लिए बीस्ट का तो देखिए हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ लेकिन इस दौरान भाई क्या गलत ऑफ गार्ड पकड़ा मैं तीन बंदों को डेमी गार्ड लेकिन गलत ही पकड़ा ऑफ गार्ड तीनों को अपने दो खिलाड़ी एंड विद दैट एचआरजी बाहर #16 डेमी गार्ड 1v3 नाइस वन ब्रो नहीं तो एटलीस्ट #2 विद गुड फिनिशेस ऐसा कुछ करना पड़ेगा तभी और पॉप रे नाइस नॉक निंजे नाइस नॉक बे Meanwhile, Carpedium versus CG. Goblin knock, Hector knock. और गमला बॉय दोनों खिलाड़ी मिलकर गॉब्लिन फिनिश होने की कोशिश करते हुए दो खिलाड़ियों को हेक्टर फिनिश गॉब्लिन उनके करीब बहुत बढ़िया ग्रेनेड और टीम रेवरेंट अब उनके पास मौका शोगन नॉक अब नियो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर कार्निवल गेमिंग कोशिश में और आसानी से वो जा भी पाए शोगन 1v2 सिचुएशन है नियो के लिए गॉब्लिन वो अभी भी इस मैदान में है और नियो एक और खिलाड़ी वहां पर मौजूद दिखाई देगा नियो ने मैक्स को नॉक किया ओए नियो ने इसको भी दे दिया एंड विद दैट कार्पेडियम बाहर एट #12 एलिमिनेशन हुआ नियो 1v3 कार्पेडियम
दो फिनिशेस के साथ काम चलाना होगा। सिली स्पोर्ट्स वर्सेस कर्नाडु हो चुके हैं, सर्वाइव तो आप कर रहे हैं लेकिन बाकी खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे। मात्र तीन प्लेयर्स जो थे उनके मैंने दे दिया अवनीश को उनके पास एंड पीछे से रीपर भाई। रीपर भाई हमेशा अकेला लास्ट बचता है इस टीम से एंड हमेशा डिलीवर करता है। ये ले हो गया फ्रैगर नॉक इंस्टेंट डब्बा। कौन है भाई ये? हाइड्रो और भी हावी पड़े क्योंकि सिली ने भी हाइड्रो ग्रेनेड की बौछार करना स्टार्ट कर। सिली का रणवीर नॉक है फ्रॉम जेनेक्स एफएम बाउंसर के रूप में निकल गया। आरएनडी को थोड़ा चैलेंज रहेगा जोन के अंदर जाना। सिली के खिलाड़ियों पर डैमेज दिया। सॉरी सर दैट वाज नॉट जेनेक्स एफएम दैट वाज पीएनएक्स। डैमेज अभी भी देने की कोशिश कर पीएनएक्स का जोन है ब्रो। देख रहा हूं कि सिली उनके पास ग्रेनेड बट वो घर है ना ब्रो। पर स्टिल उन्होंने ज्यादा डिफेंड करना थोड़ा चैलेंजिंग है। बहुत टीम खेल सकते हैं नीचे एक फ्लोर में ऊपर एक फ्लोर में आजू बाजू समझ रहे हो। किया लमोन ने स्पाइडर जॉर्ड को नॉक किया स्किलफुल को भी नॉक किया। जब आपके पास स्पाइडर जॉर्ड फिनिश कोई थर्ड पार्टी खतरा नहीं था आपने फाइट नहीं ली जिसके चलते अब उनका भी अंत हमें धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। बट क्या ही शानदार स्मोक के अंदर क्या जिस करा रहा है हाइड्रो भाई। आजकल बहुत कुछ चल रहा है माफी नहीं मिलेगी ऐसे हमारे होते हैं। हाइड्रो द फ्रैगर भाई पांच सोलो फिनिशेस पर हाइड्रो लेकर गया और आज का भी ये पहला मैच जहां पर वो पांच फिनिशेस आपको दिखा देंगे। पर क्यों लमाओ उन्होंने खिलाड़ियों को देखा स्किलफुल डाउन करेंगे इनफोर्नू वो डाउन करेंगे क्रैटूस के द्वारा और अब टीम रेवेनेंट उनके पास पूरा मौका है कि यहां से वो फिनिशर्स निकाल पाए। रणवीर उनको भी नॉक कर दिया गया यानी टीम रेवेनेंट अभी सिली के सारे नेट्स पानी के अंदर जा रहे हैं। इसको कंफर्म नहीं कर रहे उनको भी पता है कि रणवीर हो जाएगा सबसे पहली प्रायोरिटी। आरएनडी जोन के अंदर एंट्री मार लिया बट दे नीड टू डिफेंड वो नॉक करे गए। क्रेटोस नॉक इज गेटिंग रैम्प्ड वो डाउन करेगा बट फर्स्ट हील करेगा एलओसी बाहर। पर इन सबके बीच में टीम फिनिक्स उनके पास जोन का एडवांटेज कंपाउंड उनके पास मैन पावर उनके आई थिंक आरएनडी पे पुश करेगा सिली। जरूरत नहीं है पर सिली अपने खिलाड़ी को बचाने के लिए आए और सैफ आसानी से उस खिलाड़ी को देखा जा सकता है बहुत ज्यादा ओपन में वो खिलाड़ी अक्षु S12 नाइस वन में नाइस वन नहीं बैकअप आया इसको रणवीर ने नॉक किया सैफ को ब्लॉक भी नॉक अक्षु भी नॉक। दिक्कतें अभी भी उनके लिए 1v1 सिचुएशन चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि क्रेटोस अब क्या पीएनएक्स आ रहा है किल चोरी करने एक किल मिल गया उनको। सिली ने तो परेशान करा ही बट जैसे मिसी आपने बताया टीम फिनिक्स रणवीर एक एचपी है ब्रो वो अपने सामने जितने भी गया सिली स्पोर्ट्स बाहर क्रॉस करके आरएनडी का क्रेटोस इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। थोड़ा सा पैसे अप्रोच मुझे तो लग रहा है कुछ अंक तो बटोर के लेके जा पाएगी यहां से जो एवरेज जो हम बात भी करते मिनिमम 10 अंक वो अगर निकाल लेती है तो बेहतर स्थिति में आ सकती है। बट जिस प्रकार पहले ऐसा लगा था कि एलिमिनेशन कभी भी हो सकता था लेकिन एटलीस्ट अभी भी सर्वाइवल चलता लेकिन प्ले जोन से नॉकआउट होना टीम फिनिक्स अरे भाई सब स्मोक के अंदर एडजस्ट कर दिया टीम रेवेनेंट उनको ये मैच एंड विद दैट जेनेक्स एफएम बाहर एट हैशटैग ये बड़ा बना फाइव है भले उनके पास फिनिशर्स पीएनएस का डिनर पर वो प्लेसमेंट भाई सीजी का नियो अभी भी सर्वाइव कर रहा है। नियो उनके पास कितने परसेंट मिल गया भाई आपको कैमरा मैन एक बार दिखाओ कितने परसेंट नहीं हो पे ड्रैगन ईस्पोर्ट्स के वो खिलाड़ी जो इतने एक बार दिखाओ और दो परसेंट है मतलब काफी सारे परसेंट मिल गया इसको। वो अभी भी इस मैदान के अंदर है वो खिलाड़ी जोन के अंदर बहुत आसानी से पहुंच भी पाएगा आई थिंक जोन पहुंच जाएगा ना टीम रेवन नहीं पहुंच पाएगा वो जो दूसरा पायदान हैशटैग 4 पे मरेगा सकते हैं या फिर चिकन डिनर वो भी निकाला जा सकता है क्योंकि 3v3 की ये फाइट होने वाली है। गया स्नो जॉट गया उनके मुंह पर ग्रेनेड किया है क्रैक पर स्नो जॉट का वो ग्रेनेड वो जॉट नहीं गया ये गया करेगा और अब सीजी बाहर है हैशटैग 4 खिलाड़ियों के साथ। पर चलिए नियो की बात की जाए एक उम्मीद जरूर के थी उन्होंने नाउ इट्स अ 3v3v1 सिचुएशन लेकिन फिनिक्स क्रेटोस नॉक मोस्टली फिनिश भी हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए रेवेनेंट तो मुझे लग रहा है सोलो सोलो क्यों खेल रहे हैं मुझे बस नजर आ रहा है लेकिन साइफ अकेला फिर फ्लॉक अकेला नहीं है क्रेटोस अकेला ज्यादा वक्त लीजिए ज्यादा वक्त भाई साहब गलत टाइम पे स्पॉट भाई लग गया अब साइफ इज लास्ट मैन स्टैंडिंग वो हील बैटल करेगा मोस्टली जिस तरीके से उसका आखिरी उम्मीद के साथ आई मीन टीम का अप्रोच देख के लग रहा है। देखिए साउंड सेंस पीएनएस का डिनर है होगा उतना अच्छे तरीके से आप अपनी टीम को आगे लेकर जा सकते हैं और हनी ने वो चीज करके दिखाई है आई थिंक ब्लॉक वो उछलते 9 फिनिशेस डिनर होगा 9 फिनिशेस विनर विनर चिकन डिनर फॉर पीएनएस स्पॉट कर लिए गए पर सैफ उनके पास वो साइफ 15 फर्स्ट एड से भाई काफी टाइम लगा गया है लगता नहीं है कि ये भी कर रहा है हील बैटल इजाफा ये भी कर रहा है हिल बैटल 23 परसेंट इसके पास दैट मींस आरएनडी हैशटैग 2 आएगा आई मीन हैशटैग 3 आएगा एंड ड्रैगन हैशटैग 2 आएगा पूरी तरीके से अब कैसे आई मीन दिस इज मी अज्यूमिंग हिल बैटल सही से करेंगे दोनों तो आरएनडी का साइफ जोन से गया दैट मींस आरएनडी बाहर हैशटैग 3 सुपर बॉय अभी भी 13 फर्स्ट एड से देयर इज नो पॉइंट इन हिल बैटिंग नाउ दोनों ही
हमें पता है बट उसको नहीं पता, इसलिए वो अभी भी ट्राई कर रहा है। ओए बट वो भी हग दिया एंड विद दैट इट्स अ विनर विनर चिकन डिनर फॉर PNX। I think 8 finishes, yes, 8 finishes. Good job, Phoenix. I think with that, Phoenixes are qualified for the next round. भाई सारे qualify हो रहे, बाहर कौन होने वाला है? अभी भी दो matches बचे. RNT का decent match गया, but they still need a lot of points. चलो बढ़ते अपना match 2 की तरफ. LOC ने Dragon Esports का बाहर कर दिया, looks like. तीन प्लेयर्स के साथ मौजूद और PNX वर्सेस THW. वो कितना आगे तक जा सकते हैं, लेकिन ये RNT वर्सेस THW. भाई दो-दो टीम से लड़ रहा है एक साथ. CG वर्सेस E4E काफी ज्यादा ऊपर है. साई नॉक के पास तो हंटर नॉक फ्रॉम स्नो जॉइंट. ऐसे में सैफ और फ्लॉग इन दो खिलाड़ियों के कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देखने को मिल जाएगी. THW क्या वो व्हीकल रन ओवर करने की कोशिश कर सकते हैं? इनसे वो है तो व्हीकल लेकर क्या आएंगे, लेकिन नाइस नॉक बे साइफ, नाइस नॉक. ये ओपनिंग नॉक उनको निकालने की आवश्यकता पड़नी चाहिए थी. ओए उतार दिया इसको भी. मीनवाइल E4E बाहर एट #11. दैट्स नॉट गुड. That's not good for E4E. दोनों खिलाड़ियों को फिनिश किया जरूर है. PNX 6 finishes 3 man strong. ये एक RNT बाहर #10 करके जाने वाला है. भाई चल क्या रहा है? लोकेशन के लिए तो अभी भी बहुत अंक चाहिए होंगे. बहुत ज्यादा कह सकते हैं. RNT भी दिक्कत में है. टीम Phoenix है. एक ही पॉइंट मिला उनको. SW का आपने सफाई करने की कोशिश करी, लेकिन हेक्टर नॉक फ्रॉम क्रिम्सन फुल ऑन पावर बोर्ड के साथ. बेशक नॉकआउट है, लेकिन अपना काम तो करके गए हैं. उम्मीदें खत्म करते नजर आएंगे, लेकिन डेस्टिनी भूल नहीं सकते वो मुकाबला, क्योंकि इनके ही कार्डवर्क वहां पर टीम तबेलास का मार दिया देखने को मिलता नजर आया. एंड विद दैट THW बाहर, करुणाडो आल्सो बाहर. भाई सिर्फ 7 टीम सर्वाइव कर रहे, कितने जल्दी बैक टू बैक टीम्स बाहर हो गए. मीनवाइल सिली स्पोर्ट्स वर्सेस कार्पेडियम, आवश्यकता भी नहीं है. रणवीर ओजी नॉक फिनिश हो गया. कार्पेडियम वो एक एक करके मल्टीपल टीम कार ने गोब्लिन को नॉक किया. जिया और टीम कार्पेडियम वो काफी इजीली क्वालिफाई होते हुए भी नजर आएंगे, बट डू और डाई उनके लिए मुकाबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ टीम कॉस्मिक क्रिम्सन ने इन्फर्नो को नॉक किया. क्रिम्सन उन्होंने एक नॉक निकाला है. और मैं सच बता रहा हूँ, रेवेनेंट E4E कॉस्मिक के खाते में जाता है. नेक्स्ट मैच में इनको चिकन ही निकालना पड़ेगा. मात्र दो ही फिनिशेस निकाले टीम कॉस्मिक ने. चिकन माइंडसेट से ही खेलना पड़ेगा नेक्स्ट मैच, और एल्स दे विल बी आउट ऑफ BMPS 2024. ये दो ही ऐसी टीम्स हैं जो क्वालिफिकेशन के ज्यादा दूर हमें देखने को मिल जाएंगे और टॉप 7 तक पहुंचे हैं. ऐसे में इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या वो इस मुकाबले ये मैच मेरे को पता नहीं लग रहा कि कार्पेडियम निकालेगा. एक और फिनिश उनके खाते में जाता हुआ और उन्होंने बाहर निकाला टीम फिनिश. ऑफ कोर्स मैं कुछ बोलता हूं, मैक्स नॉक डब्बा डाल रहे क्या अक्षु की तरह कार्पेडियम के पीछे डाल पाया वो खिलाड़ी कमला बॉय. ज्यादा पीछे जाते अब डाल दिया. उस मोलोटॉप का वो शिकार बन सकते थे, बट चलिए मैक्स को तो यहां पर बचाया नहीं जा सका. लेकिन पुकार और फियर्स क्या राइट आइज करेंगे? नेवर माइंड, आई वुड लाइक टू चेंज माय टीम. कार्पेडियम नहीं निकल पाएगा. चर्चा करें यहां से. I would like to go with an underdog team. जिनको actually points की ज़रूरत है. नहीं. बिल्कुल center में मौजूद. इनके पास already points है, उसी team के साथ जाऊँगा ताकि समझ लो अगर खराब भी हुआ तो भाई गाली नहीं पड़ेगा मुझे. I would like to go with CG. CG निकालेगा winner winner chicken dinner. चारों के चारों खिलाड़ी survive. लो. चार finishers भी उनके पास मौजूद. अब निकालेगा ही निकालेगा. Phoenix उनको भी डाउन किया जाएगा रीपर के द्वारा. डू और डाई अब उनको समझ में आ चुका है कि यहां से वो फिनिशर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे. और भाई HRG बाहर भाई डू और डाई स्पोर्ट्स सिली के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने #6 पर डू और डाई 6 फिनिश. शोगन ने फियर्स को नॉक किया. दमला भाई ने क्रिम्सन को नॉक किया. इंस्टेंट डब्बा ये थी और उस पे सफलता एक एक करके मिलती है. सिली का एक ही बंदा बचा है वो है अक्षय, उसके ऊपर नेट जा रहा है. आगे बढ़िए, एक एक करके आप फाइट निकाल सकते हैं. फियर्स फिनिश 4 से सीधा. सिली बाहर अभी 7 से क्या डबल डी तक जा पाएगा? मुझे तो लग रहा है डू और डाई ई-स्पोर्ट्स का चांसेस अच्छा दिख रहा है मेरे को. लेकिन आप टीम कॉस्मिक को तो देखिए, बट मैंने सीजी बोला मतलब सीजी निकालेगा. देखो एग्जैक्टली क्या चाहिए उनको, सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड खेलना है क्योंकि उनके पास मैन एडवांटेज वैसे भी नहीं है. नो लव और ऐसे में वो एक खिलाड़ी नो लास्ट मैन स्टैंडिंग है टीम कॉस्मिक के जाते हुए. लेकिन उनकी चर्चा कर ही रहा था वो बॉल लग गए. टीम कॉस्मिक बाहर 8 फिनिशेस 4 मैन स्ट्रांग है डू और डाई ई-स्पोर्ट्स. Now it's a 4v2v3 situation. और वहां पर हमें देखना है कि वो कितना आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे. CG zone के अंदर नहीं है. The only team जो zone के अंदर है वो है Do or Die Esports. सबके बीच में Carnival Gaming वो अभी भी survive कर रहे हैं. कारण क्या है मैं जरूर जानना चाहूंगा. खैर 9 फिनिशर उनके पास मौजूद. ओवरऑल स्टैंडिंग में 10 सेकंड में जोन स्टार्ट होने वाला है. व्हाट विल कार्निवल गेमिंग डू, कह सकते हैं व्हाट विल कार्पेडियम डू यहां पर दिखाते हुए कि कभी ऐसी सिचुएशन आगे मन की मान लीजिए बनती है द जोन हैज बिगन तो हमें क्या करना चाहिए. लेकिन मुझे लग रहा है कि अब एजेस में ही रुकते नजर आएंगे. पुकार तो पूरा सीजी को ही देख रहा है भाई. 15 से 20 मीटर आना पड़ेगा. तीन खिलाड़ी शोगन जोन के बाहर है ताकि उनका टीममेट को कवर दे सके. और दूसरी तरफ से पर हील बैटल कर रहा है
शायद ये निर्णय, और मुझे लग रहा है शोगन को हमारे हेलमेट खा सकती है अभी के लिए। शोगन जोन से क्या? शोगन वो प्ले जोन का शिकार होते हुए नजर आएंगे पुकार, देखना ये कि क्या वो मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। गॉब्लिन ने बालू को नॉक किया, बालू को वो डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट मुकाबला है, डू और डाई के लिए उनको आगे जाना ही पड़ेगा। बोला मैंने पुकार ने शोगन को मारा, शोर कर दिया। क्लचर वो रहेंगे जिन्होंने गमला बॉय को डाउन किया। इस गोल वाज टू जस्ट टेक 1 पॉइंट एट लीस्ट हो चुका है, और अब 2v3 सिचुएशन। गॉब्लिन नियो वर्सेस डू और डाई स्पोर्ट्स के तीन प्लेयर्स, अगर रेव हो गया तो फोर मैन हो जाएंगे। ओए नाइस नॉक नियो, वो क्लचर को डाउन करते हुए नजर आएंगे। एक और ग्रेनेड आगे गया जरूर है, बट भाई साहब 2v2 है पता है कि उनके ऑप्शन अगर पुश कर दिया लेकिन अभी भी प्रिसिजन तो सीसी का मैच हो सकता है। बट ओए होए नेड्स ही नेड्स आ रहे, सही कर रहा है नियो। नाइस स्लैम, अगर वहां नाइस स्लैम निकालते मुश्किलें बढ़ जरूर। नाइस नॉक, वो एक प्ले को डाउन करेंगे। 1v2 डाउन है अवनीश, 1v2 सही कर रहा है। हील करो पीछे से बैकअप देगा गॉब्लिन आराम से। 1v2 की बैटल, आराम से गेमिंग किया, वो एक सपना तोड़ सकते। ले 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 अपनी जिंदगी का इंपॉर्टेंट 1v2 दैट वाज इंसेन। अरे बाप रे बाप, क्या मारा। आई एम सुपर हैप्पी फॉर अवनीश एंड टीम, that will help them for the qualification, but kya mara bhai usne, that's the right move, right se lena fight hamesha better hai, sahi khel gaye bhai। Goblin and Neo, two of the strongest assaulters of this game ko 1v2 kar dala, that too when the team needed। Well played bhai Avnish bhai, well played, and congrats to Duo Dai Esports for the winner chicken dinner। What a way to end bro, what a way to end। अब सिर्फ एक ही मैच बचा है, कैन रेवेनेंट क्वालिफाई, कैन E4E क्वालिफाई, कैन टीम कॉस्मिक क्वालिफाई। इस मैच में देखते हैं, उसके बाद देखते हैं द ओवरऑल स्टैंडिंग्स, बट इस मैच में आई एम सुपर इंप्रेस्ड विद डू ऑर डाई स्पोर्ट्स, बहुत प्यारा खेले। चलो बढ़ते हैं अपना फाइनल मैच की तरफ। अब जोन स्टार्ट हो चुका है, टीम कॉस्मिक रेवेनेंट इन दोनों को चिकन निकालना पड़ेगा इस मैच के अंदर। चिकन छोड़ो, हैशटैग टू विद डीसेंट फिनिशेस विल आल्सो मेक सेंस फॉर द क्वालिफिकेशन, बट इन दोनों का ही लड़ाई हो सकता है। एक के पीछे एक जा रहे, इधर रेवेनेंट को जोन के अंदर घुसना है। टीम कॉस्मिक लुक्स लाइक दे इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस फाइट। अगर बंदा नॉक हुआ, स्नो जॉर्ड को नॉक किया डेमिगॉड ने, टीम रेवेनेंट दोनों के लिए मुकाबला बहुत ज्यादा। स्नो जॉर्ड को फिनिश किया साइफ ने, एक किल मिला रेवेनेंट को। सर्कल के अंदर एंट्री हो चुकी टीम रेवेनेंट की, और टीम फीनिक्स को आप देखिए वो भी साइडलाइन से यहां पर आते हुए नजर आएंगे। नो लव नॉक फ्रॉम लखनऊ जेंट्स एमजे, लखनऊ जेंट्स बोल रहा टीम लेगेसी पास, वो अभी भी व्हीकल लेकर के उनके चारों तरफ घूम रहे। फीनिक्स के शयान को आप देखिए, वो व्हीकल लेकर के यहाँ पे घूम रहे हैं, और अभी इधर चल के आ रहा है। रेवेनेंट को, रेवेनेंट के तो एक जगह मिल गया एक मिनट के लिए, उनके सामने से ही तो पाश वहां से निकल कर गए। मौका हो सकता था कि ओपनेशंस निकाल सकते थे, पर जॉर्ड ओपी वो भाई पाश अगर नॉक हुआ ना टीम कॉस्मिक तो रेवेनेंट के लिए अगला जोन में मिल जाएगा जगह। होता हुआ पाश वो फर्स्ट एलजीबी दे रहा है नेड्स, वो रेवेनेंट के ऊपर हेवी फायर। अगर नॉक हुआ तो दिक्कत में जाएगा आरएनटी टीम रेवेनेंट। ये मैच उनके लिए बहुत बड़ा है, बहुत जरूरी है। स्टोन बीजीएमआई ने मैक्स को नॉक किया, और वो टीम जोन के पुकार आल्सो नॉक मैक्स फिनिश। देखना ये है कि क्या वो हील बैटल के लिए जाने वाले या भाई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। कार्पेडियम को बोला क्वालिफाइड है। ऑनर ड्राइवर्स बाहर है #9, लेकिन क्या उतने फिनिशेस काफी रहेंगे? अभी यहां से और भी बहुत सारे अंकों की आवश्यकता रहने वाली है। फिनिक्स के शयान वो कंपेरेटिवली बेटर स्पॉट में है जरूर। पाश अभी भाई जोन के अंदर एक दो टीम से दिख रहे हैं मेरे को। लेगेसी बहुत बेहतर खेलते हुए पांच फिनिशर उनके पास आए हैं, बट अभी लेगेसी को भी सर्कल के अंदर जाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। का हंटर नॉक है एक बार फिर से वो फ्रॉम कर्नाडू बैड ओपी, क्या एक बार फिर से वो अपनी टीम के Bro, पाएंगे वो देखने वाली। BMBS का क्वालिफिकेशन इज ऑन द लाइन फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स हियर। हंटर फिनिश एस्पेशियली E4E सर्कल के अंदर, आरएनटी अभी भी देखना चाहूंगा कि पाश वो खिलाड़ी क्या सोच रहा होगा। और कॉस्मिक फीनिक्सेस क्रिम्सन को देखिए, जॉर्ड को देखिए, वो दो खिलाड़ी फियरनेस स्टोन भी जमे को नॉक किया। दिस इज द मोमेंट वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर। क्या रेवेनेंट अगला जोन में एंट्री कर पाएगा स्मूथली? बढ़ते हुए नजर आएंगे खिलाड़ी को वापस फिनिश करने की कोशिश। सैफ उन्होंने गाड़ी चलाई, एक और फिनिश उनके बाहर है। क्रेटोस 1v1 वर्सेस पाश के बीच में, ये 1v1 की फाइट, और पाश वो ये फाइट जीत गए, उन्होंने क्रेटोस को डाउन करा। I think Saif is the last man standing for Revenant, right? क्योंकि बचा हुआ मात्र एक खिलाड़ी। No, उसको ही मार दिया, फ्लॉक को ही मार दिए। E4E ने एंटर किया और टोचन ने दिया RNT को, विद दैट RNT इज आउट ऑफ BMPS। BMPS 2024 से बाहर हो चुके हैं।
E4E के लिए अच्छा मौका है, इनको भी चाहिए। अगर ये मैच चिकन निकालेंगे E4E तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे अगला राउंड के लिए। तो थ्री मैन है, इनको थोड़ा राइट साइड फाइट लेना पड़ेगा, नॉट लेफ्ट। राइट साइड कौन है? टीम कॉस्मिक जोन के अंदर है, बाकी कोई जोन के अंदर नहीं है। राइट से ही जोन ले सकते हो, लेफ्ट से नहीं। जिसके वजह से वो राउंड टू के लिए ये हुआ था। एग्जैक्टली सेंसी को नॉक दिए थे। टूर्नामेंट से और आई फॉर आई की चल निंजा चल। इस मुकाबले से पहले उनके पास 10 अंक थे, अगर वो 20 अंक इस मुकाबले से स्मोक्स कर रहे जोन के अंदर जाने के लिए, लेकिन उतने तो प्लेयर्स मौजूद है। जोन स्टार्ट हो चुका है। I4A को जोन के अंदर जाना है, THW को जोन के अंदर जाना है, लखनऊ जेंट्स को जोन के अंदर जाना है। कॉस्मिक सॉलिड बैठे जोन के अंदर। निंजा ने फ्यूरी को नॉक किया, निंजा उन्होंने फ्यूरी को डाउन किया। What? डेमिगॉड जोन से गया, निंजा भी गया, साई हिल बैटल कर रहा है। डेमिगॉड का फिनिश लिया और अब टीम लेगेसी, अब लग गए बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। आई थिंक साई मैक्स टू मैक्स हैशटैग टू आ सकता है। सपना उनके आंख में, देखना ये कि क्या वो कनेक्शन बना पाएंगे। लेकिन जॉर्ड उनका भी वो पलटवार आता है और टीम कॉस्मिक वो उनको वहां पर देख पाए, पर जॉर्ड वो रेज वार्ड नॉक है। वो शानदार सी यूज द लास्ट मैन स्टैंडिंग गॉड, वो डाउन करेंगे। चार फिनिशेस ऑलरेडी, कॉस्मिक का मैच लग रहा है खाते में। अगर यहां पर भी कौन है रोकने के लिए इनको, इतना प्यारा जोन है इनका, पहले से सही जगह पे खोला इसने। बचने वाला I4I का वो खिलाड़ी जो अभी भी हील बैटल करता हुआ, अगर वो एलिमिनेट हुआ एक एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट पर। इमेजिन साई आखिरी में पीछे से आके मार दिया और चिकन ले लिया और अपनी हील बैटल करते हुए नजर आएंगे एंड क्वालिफाई हो गया। भाई साहब काफी ज्यादा ऊपर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में टीम कॉस्ट हो सकता है, इट्स पॉसिबल। दो टीम्स के बीच में वो मेन फाइट, मेजर फाइट देखने को मिल रही है। रेज गॉड वो फिनिश ऑफ होते हुए नजर आएंगे, बट TSW उनकी तरफ से अब ग्रेनेड का प्रहार जाएगा टीम कॉस्मिक के ऊपर। जॉर्ड के बहुत आखिरी ग्रेनेड, ये करेक्ट होना चाहिए तभी कुछ होगा। ग्रेनेड करते हुए नजर आएंगे और शायद ही बेहतर हो, लेकिन सिर्फ स्प्लैश डैमेज ही वो दे पाए। निंजे वो आगे बढ़ जरूर रहे, लेगेसी के प्लेयर को इन्होंने शायद स्पॉट किया, बट जॉर्ड सीयू भी गया, दैट मींस टीम लेगेसी बाहर। 2v2 प्रॉपर 2v2 टीम कॉस्मिक वो 6 फिनिशेस निकाल चुके हैं और ये टीम कॉस्मिक क्वालिफाइड लग रहा है मुझे। इतिहास को रिपीट कर, साई हिल बैटल कर रहा है, कर साई को पूरा व्यू है ना। आखिरी में अगर एक बंदा बचा है वो मार सकता है जोन के बाहर से। वो खिलाड़ी एलिमिनेट हुआ तो टीम कॉस्मिक उनके पास वो 12 टोटल अंक जाने वाले, कितने थ्रोएबल से बे TSW पे वो टीम भी छू जाने वाली है, क्योंकि THW उनके पास इस वक्त एडवांटेज एंड समहाउ ये सारे थ्रोएबल से सर्वाइव कर लिए टीम कॉस्मिक। क्या वो नुकसान दे सकते हैं? अरे दे दिया भाई, दे दिया फिनिश। मार पाया, आखिरी बंदे को मार पाया। आई थिंक आखिरी बंदा को है ना, आखिरी बंदा को है ना, आई थिंक टीम कॉस्मिक ने मारा। पर जो भी हो टीम कॉस्मिक क्वालिफाइड है ब्रो, इससे टीम कॉस्मिक इज क्वालिफाइड फ्रॉम दिस। बट अभी सवाल रहेगा, डिड I4I क्वालिफाई फ्रॉम दिस और नॉट? व्हाट अ वे टू एंड द डे ब्रो, फैंटास्टिक मैच। आई जस्ट कांट वेट टू लुक एट द ओवरऑल स्टैंडिंग्स नाउ। चलो भाई सीधा घुसते ओवरऑल स्टैंडिंग्स के अंदर, एंड द ओवरऑल स्टैंडिंग्स आर हियर। CG बिल्कुल टॉप पे, वो लोग क्वालिफाइड है हम सबको पता है। THW क्वालिफाइड, कार्पेडियम क्वालिफाइड, फीनिक्स इज क्वालिफाइड, HRZ qualified. Let's look at Cosmic. Cosmic को मिला 17 points and with that they're also qualified. They have 35 points. Team Legacy qualified 29 points उनके पास. Karunadu 27, they're also qualified. E4E has 22 points. भाई साहब एक point से रह गए उनका, एक point से. अभी के लिए cut off 23 दिख रहा है and they have 22 points. Hard luck boys. RNT is also out of BMPS 2024. They have 20 points. Wow. HR बाहर, LOC बाहर. एंड बाकी टीम्स का भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओवरऑल व्हाट ए डे भाई, फुल्ली एक्शन पैक था आज। IQSOL का डोमिनेशन एंड RNT का बाहर होते हुए देख के भाई मिक्स्ड इमोशन से। पर द रियल क्वेश्चन रिमेंस, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू एंग्री स्वांस? क्यों वो मैच 2 और 3 नहीं खेले? क्या वो बैन हुए? क्या डिस्क्वालीफाई हुए? क्या उनका घर पे कुछ पिटाई हुआ? ये जानने के लिए भाई कल तक वेट करना पड़ेगा, अभी के लिए तो मुझे पता नहीं चला। अगर तुम लोग को पता चला तो जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन पीस। एंड अगर अभी तक वीडियो देख रहा है तो भाई एक ग्लास पानी पीना, स्टे हाइड्रेटेड।